मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 3 फरवरी, 4 फरवरी एवं 5 फरवरी का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। मित्रों, आप में से जो भी जातक, जो भी दर्शक, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो आने वाले 2 दिनों में अपने पढ़ाई लिखाई, अपने शिक्षा के क्षेत्र में समय के दुरुपयोग से आपको बचना होगा। क्योंकि आने वाले 3 दिनों में अगर आप अपने पढ़ाई लिखाई में अपने कीमती समय का दुरुपयोग करते हैं, अगर आप अपने पढ़ाई लिखाई में अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं, तो आपको परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा करना होगा। तो आने वाले समय में ऐसा कुछ करने से आपको बचना होगा। मित्रों, आने वाले 3 दिनों में अगर आपके कामकाज, अगर आपके कार्य क्षेत्र की बात करें, तो आपके कामकाज के दृष्टिकोण से आपका आने वाला समय सामान्य तौर पे बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। मित्रों, आने वाले 3 दिनों में अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो नए काम को शुरू करने में आपके समय का साथ, आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपके समय के साथ, आपके समय के सपोर्ट के कारण आपका व्यापार, आपका व्यवसाय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। मित्रों, आने वाले 3 दिनों में अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें, तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका आने वाला समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। मित्रों, आने वाले समय में ऐसी संभावना है कि किसी छोटी मोटी बातों के कारण आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपका नोक झोंक होगा, आपका बहस होगा, लेकिन ऐसा कुछ करने से आपको बचना होगा। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से बहस करते हैं, तो आपको परेशानी का सामना अवश्य करना होगा। तो यही था आपके आने वाले 3 दिनों का राशि फल। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए किस टोटके को आपको आजमाना होगा। मित्रों, आने वाले समय में अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको करना क्या है कि गरीब, लाचार, बेबस, मजबूर, असहाय, दिव्यांग ऐसे लोगों की सहायता करनी है, ऐसे लोगों की सेवा करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, इस टोटके को अगर आप आजमाते हैं, तो आपका आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।